क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, बी पे क्या है ये कोई भी ट्रायंगल एबीसी है, बी पे राइट एंगल है यानी कि बी पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल, एट बी मतलब कि बी पर। ए बी 24 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ए और बी 24 सेंटीमीटर, एंड बी और सी कितने हैं 7 सेंटीमीटर, बी और सी, सी ये है तो ये 7 सेंटीमीटर है बोला। तो डिटरमाइन देन 7 सेंटीमीटर, अब क्या है डिटरमाइन, फर्स्ट है साइन ए कोज ए और सेकंड है साइन सी कोज सी, ये हमें फाइंड करने हैं। तो ये सब फाइंड करने के लिए हमें तीनों साइड्स पता होने चाहिए पहले तो, ठीक है। तो इसको क्या बोल, तो तीन दो साइड पता है अगर हमें, तो थर्ड फाइंड करने के लिए इसको जो नीचे होता है उसको बेस मानते हैं, इसको जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसको परपेंडिकुलर जो तिरछी लाइन होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम लगाएंगे, तो लिख देंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है ए और सी का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है ए और सी क्या है परपेंडिकुलर, ए और बी क्या है सॉरी ए और सी हाइपोटेनियस, ए और बी परपेंडिकुलर और बी और सी क्या है बेस। तो इसको जितना भी दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं ए और सी, ए और सी तो हमको मालूम ही नहीं है तो ए सी का स्क्वायर रहने देते हैं। सेकंड है ए और बी, ए और बी कितना दिया है 24 का स्क्वायर प्लस बी और सी 7, तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 प्लस 7 का 49, इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 625, साथ में ये आगे लेफ्ट हैंड साइड में है ए सी स्क्वायर। अब जो ए सी स्क्वायर निकला है पर हमें क्या चाहिए ए और सी चाहिए, तो इसका स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट ये ए और सी का स्क्वायर निकला था इन दोनों को प्लस करने से, तो इसका स्क्वायर नहीं चाहिए हमें ओनली ए और सी चाहिए, तो इसका स्क्वायर को इधर ले आए जो कि अंडर रूट बन गया, इधर आके इक्वल के इधर आया तो इसका स्क्वायर अंडर रूट बन गया। अब 625 किसका वो होता है स्क्वायर होता है 25 का अंडर रूट, 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर है तो 25 का स्क्वायर कर दिया 625 का अंडर रूट का अंडर रूट है ना ए सी, तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो ए सी कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे ए और सी कितना आ गया 25, ये 24 ये 25 और ये 7 सेंटीमीटर। अब फाइंड क्या करना है हमें साइन ए और कोज ए, तो साइन ए सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक बता रही मैं आप लोगों को।
ये होता है पंडित बद्री प्रसाद भाई हर हर बोले, इसका मीनिंग क्या है? पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, फिर से पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनियस, फिर से एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस, है ना। ये ऊपर होता है साइन, कोज और टेन। साइन का होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोज का होगा बेस बाय हाइपोटेनियस और टेन का होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, साइन एंड कोजे, साइन एंड कोजे। एंगल हमें ए लेना है, साइन के साथ ए दिया हुआ है तो एंगल ए लेंगे। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं, अगर एंगल ए लेंगे, ये वाला एंगल लेते हैं, तो इसके जो सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है और जो इसके साथ वाला होता है वो बेस बन जाता है, ठीक है। तो बेस क्या, साइन का फॉर्मूला देखते हैं पहले क्या है। साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, बी सी। तो लिखेंगे साइन ए इक्वल टू क्या है, बी और सी, बी सी बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए और सी, ए और सी, है ना। अब बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बाय, ए और सी कितना है, ए और सी है 25 सेंटीमीटर, ये 25। ये आ गया साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू 7 बाय 25। फर्स्ट तो आ गया, नेक्स्ट है कोज ए। साइन ए फाइंड हो गया, अब कोज ए फाइंड करना है। तो कोज ए का फॉर्मूला देखते हैं, कोज ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कोज ए का, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, कोज ए है तो एंगल वही रहेगा हमारा, ए वाला एंगल ही रहेगा, तो परपेंडिकुलर भी सेम रहेगा और बेस भी सेम रहेगा, हाइपोटेनियस भी सेम रहेगा, ठीक है। तो कोज का फॉर्मूला है हमारा बी बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है इसमें, ए और बी, ए बी कितना है 24 बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है ए सी, ए सी क्या है 25। तो लिख लेते हैं कोज ए इक्वल टू ए बी बाय ए सी, जो कि है 24 बाय 25। तो कोज ए कितना आ जाएगा, कोज ए इक्वल टू 24 बाय 25, कोज ए ये आ गया। तो फर्स्ट पार्ट का ये दोनों आंसर हो जाएगा, साइन ए 7 बाय 25 और कोज ए 24 बाय 25। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी और कोज सी। अब एंगल हमारा सी हो गया है, पहले ए था अब सी हो गया है, तो सी एंगल कौन सा है, ये। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, अरे हाइपोटेनियस ही रहेगा। तो अब हमारा साइन ए और कोस सी, सॉरी साइन सी और कोस सी फाइंड करना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी, तो लिख लेंगे साइन सी इक्वल टू ए बी बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो ए और सी, ए बी कितना है 24 और ए और सी क्या है 25। तो साइन सी कितना आ जाएगा, 24 बाय 25। सेकेंड है कोज सी, कोज सी। तो कोज सी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस बाय हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस हमारे पास कौन सा है, बी और सी, तो लिख लेंगे बी सी बाय हाइपोटेनियस ए सी, ए सी। तो बी सी कितना दिया हुआ है हमारे पास, बी और सी 7 और ए और सी 25। तो कोज सी कितना हो जाएगा, 7 बाय 25।
सेकेंड पार्ट का ये दोनों आंसर आ जाएगा, साइंस सी इज इक्वल टू 24/25 और कोच सी 7/25।